दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा मुकाबला भी बारिश के कारण होने जा रहा था रद्द, लेकिन जब बारिश रुकी तब दोनों खूंखार टीमों के बीच खेला गया एक एक ओवर का सुपर ओवर मैच। पहले यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने बचाई लाज, तो फिर अंतिम तीन गेंद पर तीन छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने पलटा ऐसा हारा हुआ मैच जिसे देखकर पूरा भारत देश हो गया खुश। भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए बारिश के बाद दूसरे टी20 मैच के सुपर ओवर की रोमांचक हाईलाइट हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है संजू सैमसन, यशस्वी और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड की शामत आई, पहले भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें डराया धमकाया, तो फिर बारिश के चलते डीएलएस मेथड से टीम इंडिया ने दो रनों से धमाकेदार जीत हासिल करी, जिसके बाद दूसरे टी20 मुकाबले में वापसी करने के इरादे से इरिस टीम मालाहाइट के मैदान पर उतरी थी। इस बात को उन्होंने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। जोशुआ लिटिल ने शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ को चलता कर टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया, तो फिर उनके आउट होने के बाद चौथे ओवर में तिलक को बड़ा झटका दिया और भारतीय टीम ने केवल 28 रनों पर अपने टॉप दो बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लग रहा था आयरलैंड हम पर पूरी तरह से हावी है, लेकिन उसके बाद आता है असली तूफान। यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर संजू सैमसन ने आयरलैंड के गेंदबाजों को बड़ी बेरहमी से धोना शुरू कर दिया। उन दोनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 12 ओवरों में ही भारतीय टीम को 110 रनों तक पहुंचा दिया था। यशस्वी ने तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, 18 ओवरों में टीम इंडिया 170 रन बना चुकी थी, लेकिन तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश एंट्री मारती है। इस बार भी पहले टी20 मुकाबले की कहानी लगभग लिखी जा चुकी थी, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, मुकाबला रद्द होने की कगार पर आ चुका था, जिससे करोड़ों फैंस एक बार फिर से उदास हो चुके थे। ऐसे में फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बारिश समाप्त होने के बाद एक बार फिर से एक रोमांचक सुपर ओवर करने का फैसला किया गया। इस सुपर ओवर में आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां उनके लिए धमाल मचाने के इरादे से एंड्रयू बलबर्नी के साथ कप्तान पॉल स्टर्लिंग की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों को रोकने की जिम्मेदारी कप्तान जसप्रीत बुमराह ने खुद अपने कंधों पर उठाई, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो खून सवार था। जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर पॉल स्टर्लिंग ने छक्का जड़ दिया, तो वहीं अगली गेंद पर इस बल्लेबाज ने एक ऐसा खूबसूरत चौका लगाया, तो फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने बलबर्नी को स्ट्राइक थमा दी, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह के सामने इस बार भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। बुमराह ने चौथी गेंद पर बलबर्नी को पवेलियन की राह दिखाकर अपनी वापसी का ऐलान किया, लेकिन फिर आयरलैंड की तरफ से मैदान में उतरे बैरी मकार्थी ने जसप्रीत बुमराह का स्वागत ही तूफानी छक्के से करने के बाद आखिरी गेंद पर भी गेंदबाज के सर के ऊपर से एक और छक्का लगाकर 23 रन जोड़ लिए थे, जहां इस बार टीम इंडिया को लक्ष्य मिला था 24 रन का, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसे में इस मुश्किल परिस्थिति में टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी, क्योंकि सभी जानते हैं कि रिंकू सिंह बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और महज 6 गेंद पर भारत को 24 रन बनाने थे। यानी रिंकू जैसे हथियार की टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आयरलैंड के सबसे ज्यादा खतरनाक गेंदबाज क्रेग यंग का सामना करने के लिए यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पर मौजूद थे। पहली गेंद पर उन्होंने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए 2 रन बटोर लिए, तो फिर अगली गेंद पर उन्होंने बहुत बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस गेंद पर केवल चौका मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी वो सिंगल ले पाते, अब तक स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह, जिन पर टीम इंडिया को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार आ चुका था। भारतीय फैंस तो उम्मीद भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम तीन गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। आयरलैंड जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रिंकू किस मिट्टी के बने। उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में पीएचडी हासिल की हुई है। चौथी गेंद पर यंग ने एक जबरदस्त बाउंसर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था। उनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम दो गेंदों पर चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन रिंकू के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि यह कारनामा कर सकते थे। आयरलैंड के कप्तान ने गेंदबाज से बातचीत की, नया प्लान बनाया, जिसके चलते क्रेग ने ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू से बहुत दूर फेंकी। इस पर रिंकू ने अपने अतरंगी शॉट से इस गेंद को गली में खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। रिंकू ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोक मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था। अब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था, उनके चेहरे पर रिंकू का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर होने क्या, पर रिंकू को नया इतिहास लिखना था और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। जब यंग ने आखिरी गेंद पर सटीक यॉर्कर डाली, एक पल के लिए तो लगा कि मैच हाथ से चला गया, पर रिंकू ने अपना फ्रंट फुट साइड में किया और महेंद्र सिंह धोनी ने अंदाज में उन्होंने एक ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट लगाया जिससे कि गेंद तारामंडल में छूमंतर होते ही स्टेडियम से बाहर चली गई और टीम इंडिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर आयरलैंड का घमंड चूर चूर कर दिया, जिसके साथ ही टीम इंडिया ने 2-0 से इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया था। जहां रिंकू सिंह इस जीत
के सबसे बड़े हीरो बने थे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया आयरलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।